भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व इस बात को जोर दे रहे हैं कि हम निजी मंडियों में या निजी हाथों में यदि अनाज को बेचेंगे तो हमारे आय दुगुना हो जाएगी। सारे केंद्रीय मंत्री ये बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ छत्तीसगढ़ में निजी हाथों में क्यों नहीं बेचे? यदि उसको बेच दिए होते, अब बता दे आय कैसे दुगुना होता है बिना समर्थन मूल्य के, तो फिर उसको देश में भी कहते बनता है उनको कि देखिए हमने शासकीय मंडियों में नहीं बेचा, हम निजी हाथों में बेचे, जो पैन कार्डधारी उसको बेचा और हमारे आय दुगुना हो गया। ये बताते तो समझ आता, लेकिन अब जब सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता धान बेच चुके हैं, रमन सिंह से लेकर सारे लोग, तो फिर इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं, केवल वो पुरंदेश्वरी देवी को खुश करने के लिए ये इस प्रकार का धरना प्रदर्शन ये लोग करने जा रहे हैं। नड्डा के बारे में हम लोग तो बचपन से जानते हैं, जो दुकानों में मिलता था पीले रंग के, है ना, 5 पैसे में 2 मिलते थे, उसी नड्डा जानते हैं।